अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज शुएब शेख एंड वेलकम टू माय चैनल। देख लो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं वॉइस ओवर वीडियो एडिटिंग के हवाले से। मुझसे किसी ने पूछा था कि मोबाइल के अंदर किस तरह हम अपनी वॉइस ओवर वीडियोस को एडिट कर सकते हैं, इसके बारे में कोई वीडियो बनाएं। अब वॉइस ओवर क्या होता है कि आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि मतलब फ्रंट के ऊपर कुछ इमेजेस होते हैं जो मतलब एक के बाद एक चेंज हो रहा होता है, या कुछ वीडियोस होती हैं और उसके ऊपर जो वॉइस होती है वो आपकी अपनी होती है और आप उसके बारे में बता रहे होते हैं, रिव्यूज़ दे रहे होते हैं। अब ये किसी कंपनी के ऊपर भी हो सकती है या कोई इस्लामिक कॉन्टेंट भी हो सकता है या फिर किसी पर्सन पर या फिर किसी ड्रामे वगैरह पर भी हो सकता है। अब आजकल ये तो मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है, वॉइस ओवर की वीडियोज़ जो हैं बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं, इसके चैनल भी बना रहे हैं। अब कोई आजकल ये ड्रामा है खुदा और मोहब्बत, अब इस पर देखें कि हर बंदा आके मतलब अपनी वॉइस ओवर की वीडियो बना रहा है, अब ये होगा, अब ये होगा, ये होगा। तो ये वॉइस ओवर किस तरह की जाती है ये मैं आज आपको करके दिखाऊंगा और टॉपिक भी मेरा यही है, खुदा और मोहब्बत। तो इसके लिए हमें मोबाइल में जाना होगा, तो आएँ स्टार्ट करते हैं। वॉइस ओवर करने से पहले जो कुछ आपने बोलना है वो आप पहले से लिख के रख लें, उसके बाद उससे रिलेटेड जो आपके इमेजेस हैं, जो वीडियोज़ हैं वो आप पहले से डाउनलोड करके रख लें। उसके बाद प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से जाकर आप डाउनलोड करेंगे VN वीडियो एडिटर मेकर वीलॉग नाउ। उसके बाद मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मैं उस तरह से ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ले लेंगे न्यू प्रोजेक्ट। उसके बाद जो भी आपके इमेजेस और वीडियो जो आपने डाउनलोड की हुए हैं वो आप यहाँ से ले लेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सॉफ्टवेयर का इंटरफेस आपके सामने आ गया है, ठीक है। जो इमेजेस मैंने लिए थे वो भी आ गए हैं और ये हमारी फर्स्ट टाइमलाइन है। सेकंड पे हम इमेज ऐड कर सकते हैं, थर्ड पे हम टेक्स्ट और फोर्थ पे हम अपना म्यूज़िक या वॉइस वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो हमारा पांचवा जो है ये हम उसके यहाँ से डिलीट कर देते हैं, ठीक है। आप ये भी देख लेंगे जो आप मतलब इसमें वॉइस ओवर करेंगे उसका ड्यूरेशन आपने क्या रखना है। आपको अगर आपने बढ़ाना है तो आप इसको पहले से टाइमिंग सेट कर लें कि भाई मेरे को कम से कम 30 मिनट तक बोलना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे इमेजेस आ गए और इसके अंदर मुझे फर्स्ट के ऊपर याला रखना है, तो मैं इसको होल्ड करके फर्स्ट पे लेके आ जाऊंगा और अब मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ। बोलने के लिए जो ये हमारा फोर्थ लेयर है इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद जो रेड बटन प्रेस करूँगा तो रिकॉर्डिंग जो है ऑडियो की स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड, ये मेरी रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये देखें मेरे सामने जो मेरी ऑडियो थी वो आ गई है। अब यहाँ एक बात नोट करें, देखें यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पेस है ये ब्लैंक है, उसके बाद यहाँ लाइंस आ गई। लाइंस का मतलब ये है कि यहाँ मेरी वॉइस है और जिस जगह ब्लैंक है वहाँ मेरी वॉइस नहीं है। तो इसके अंदर जहाँ आपको लगे कि वॉइस नहीं है तो उन पार्ट्स को आप डिलीट कर दें। डिलीट किस तरह करेंगे, अब देखें स्टार्ट का जो पार्ट हैगा मैं पहले प्ले करता हूँ। इसके अंदर ड्रामा सीरियल मुझे इसमें बोलना क्या है, ठीक है, बल्कि नहीं आप देखें मुझे कहाँ से कहाँ तक का हिस्सा रिमूव करना होगा। मुझे इसमें बोलना क्या है, बोलना यह है कि इसके अंदर ड्रामा सीरियल, ड्रामा सीरियल कहाँ से स्टार्ट किया है मैंने, ड्रामा सीरियल यहाँ से, तो मैं इसको यहाँ से ये हिस्सा मैं इसका स्प्लिट करता हूँ और इसको मैं होल्ड करके पीछे लेके आ जाता हूँ। मैं इसको प्ले करता हूँ। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन, अब देखें इस हिस्से में ये स्पेस आ गया, उसको रिमूव करने के लिए मैं जहाँ ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ लेकर आऊँगा अपनी टाइमलाइन को और उसके बाद मैं यहाँ से इसको स्प्लिट करूँगा, आगे लेकर आऊँगा, स्प्लिट करूँगा, इस पार्ट को डिलीट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इसको मैं होल्ड करके थोड़ा सा आगे लेकर आ जाऊँगा। अब देखें ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और सीजन 2 के बाद सीजन 3 भी इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इसके अंदर जो अब देखें यहाँ पे स्पेस आ रहा है तो मैं इस पार्ट को भी यहाँ से रिमूव करूँगा और इसको मैं होल्ड करके पीछे लेके आ जाऊँगा। आप देख लीजिएगा जहाँ जहाँ पे आपको लगे स्पेस आ रहा है वहाँ वहाँ से इसको आप डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ स्पेस आ रहा है तो यहाँ से भी इसको आप डिलीट कर देंगे, इसको पीछे लेके आ जाएंगे, ठीक है। मैं इसको प्ले करता हूँ एक बार।
ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और सीजन 2 के बाद सीजन 3 भी इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इसके अंदर जो लड़की है आई थिंक उसका रोल जो अदा किया है इकरा अजीज ने किया है। आप देख सकते हैं यहाँ भी स्पेस आ रहा है और यहाँ भी स्पेस आ रही है, आप खुद रिमूव कर सकते हैं। जो अदा किया है इकरा अजीज ने किया है और जो इसमें लड़का है उसका रोल फिरोज खान ने किया है। अब देखना यह है कि अब इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। इस ड्रामे की खासियत ये भी है कि इसके अंदर सूफीज्म भी दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक हो गया हमारा। अब ये देखिए हमारी जो वॉइस है वो यहाँ तक है लेकिन हमारी इमेजेस बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो अब हम करेंगे इमेजेस की सेटिंग। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 1। अब मुझे यहाँ से अपना अलग इमेज लाना है, तो मैं यहाँ लेकर आऊँगा टाइम लाइन, यहाँ से मैं इसको स्प्लिट मारूंगा और उसके बाद जो मैंने इमेजेस अपने रखे हुए हैं यहाँ पे कौन सा मुझे यहाँ पे लाना है, मुझे लाना है उसके बाद ये वाला, मैं इसको यहाँ से होल्ड करूँगा और सेकंड नंबर पे लाके छोड़ दूंगा। अब मैं इसको यहाँ से प्ले करता हूँ मोहब्बत सीजन 1 और सीजन 2 के बाद सीजन 3। ठीक है, और अब इसके बाद जो मेरा थर्ड इमेज है मुझे यहाँ पे रखना है ये वाला, तो मैं इसको यहाँ से होल्ड करूँगा और यहाँ ला के रख दूँगा। यहाँ ठीक है, और अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और सीजन 2 के बाद सीजन 3 भी इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इसके अंदर जो अब मैं काम करता हूँ कि जो मेरे ये लास्ट इमेज है इसको भी मैं आगे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, और ये जो इमेज है ये मैं यूज़ कर चुका हूँ तो मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ और मैं थोड़ा इसको आगे ले जाता हूँ इसका रोल। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये बात बताऊँ कि कोई भी इमेज आप डिलीट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अगर डिलीट करते हैं कोई इमेज तो जो आपका म्यूज़िक है ये भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। आप ये देखें कि आपके जो ऑडियो की टाइमलाइन है वो कहाँ तक आ रही है, यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ से अपने लास्ट इमेज पर आप जाएँ और उसको स्प्लिट करके उसको वहाँ से आप उसको आप डिलीट कर दें। ठीक है, ये हमारा आ गया, और उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि मुझे इन इमेजेस का थोड़ी टाइमिंग बढ़ानी है, इसको मैं होल्ड प्रेस करूँगा और थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा और थोड़ा सा मैं आगे ले जाऊंगा। ठीक है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। फ्रेंड, अभी आप पे डिपेंड करता है कि जहाँ मतलब जिस जगह से आपका जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है या किस जिस पर्सन की आप बात कर रहे हैं उस जगह पर आपको उस बंदे का इमेज लगाना है। अगर यहाँ आप कोई बात कर रहे हैं तो इस जगह आपको मतलब उस बंदे की पिक्चर लगानी होगी, या तो मैंने आपको सिर्फ सिंपली एक सिखाने के लिए बताया है। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और सीजन 2 के बाद सीजन 3 भी इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इसके अंदर इमेजेस आपने अपनी मर्जी से लगाने हो, इमेजेस की और ऑडियो की सेटिंग आपने खुद करनी है। अब जैसे कि आपको इस जगह पर कोई इमेज ऐड करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से पहले इसको स्प्लिट करेंगे और ये प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे इस जगह इमेज ऐड हो गया। अब इसकी टाइमिंग कम ज़्यादा वो आप अपने हाथ से कर सकते हैं। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और सीजन 2 के बाद सीजन 3 भी इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे जा। अभी आप देखें कि जो इमेजेस आ रहे हैं बिल्कुल सिंपली आ रहे हैं। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत, लेकिन हमें थोड़ा इसमें ट्रांजिशन चाहिए, थोड़ा इसको एनिमेट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट प्लस का साइन देख रहे हैं मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ से इसको ये वाला ड्रामा सीरियल यहाँ से मैं इसको ये वाला इफेक्ट या फिर ये वाली ट्रांजिशन दे देता हूँ, उसके बाद मैं ओके करता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ ड्रामा सीरियल खुदा। ठीक है, आप देखिए किस तरह ये ओपन हो रही है ड्रामा सीरियल खुदा और। ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ, नीचे देखें यहाँ पे टूल है जूम का, इस पर क्लिक करता हूँ और देखें जूम आउट जूम इन, मैं जूम इन यहाँ से इसके लिए ले लेता हूँ। अब देखें प्ले कर क्या होता है ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और। अब यहाँ दूसरा इमेज स्टार्ट हो रहा है तो मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें काफ़ी सारे आपको ट्रांजिशन मिलेंगी, यहाँ भी मिलेंगी और ऊपर यहाँ भी मिलेंगी, मैं आपको दिखाता हूँ। और मोहब्बत सीजन और मोहब्बत और मोहब्बत सीजन 1 और मोहब्बत सीजन खुदा और मोहब्बत सीजन 1 और सीजन 2।
ठीक है, इस पर मैंने ट्रांजिशन लगा दिया। मैं इसको प्ले करता हूँ कि नेक्स्ट जो मेरा इमेज होगा वो देखें आप किस तरह आएगा। ये फर्स्ट, अब नेक्स्ट प्ले होगा, खुदा और मोहब्बत सीजन वन और चेंजिंग करता हुआ आ रहा है। और मोहब्बत सीजन वन, और अब देखें यहाँ पे जब आता है तो ये इमेज बिल्कुल हमारा स्टिल रुक जाता है। मुझे इसको एक मोमेंट देनी है तो इसके लिए मैं जूम पे जाता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा मूव लेफ्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको प्ले करता हूँ, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन वन और सीजन, ठीक है, इस तरह मैं तमाम के अंदर इफेक्ट देता हूँ। इसके अंदर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं और सीजन टू के, ठीक है, उसके बाद यहाँ क्लिक करता हूँ और ऑल पे मैं यही इफेक्ट्स अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, इस पे भी अप्लाई हो गया, टॉप ट्रेंडिंग पे नहीं बल्कि इस पे नहीं हुआ, मैं इस पे क्लिक करूँगा और इस पे सीजन वन और अप्लाई ऑल कर दूँगा। आप देखेंगे इफेक्ट सब पे आ गया। अब उसके बाद मुझे इमेजेस की मूवमेंट देनी है तो उसके लिए मैं जूम पे जाऊंगा और यहाँ से मैं इसको चेंज कर दिया। ठीक है, इस पे गया, जूम पे जाके इसको थोड़ा एनिमेट कर दिया, इस पे गया, जूम पे जाके थोड़ा इसको एनिमेट कर दिया। ठीक है, इस पे गया, उसके बाद जूम पे जाके मैंने इसको कोई ट्रांजिशन या एनिमेट कर दिया। उसके बाद मैं इसको लेकर आता हूँ जगह पे, ठीक है, और अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखें, ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन वन और सीजन टू के बाद सीजन थ्री भी इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इसके अंदर जो लड़की है, आई थिंक उसका रोल जो अदा किया है इकरा अजीज ने किया है, और जो इसमें लड़का है उसका रोल फिरोज खान ने किया है। अब देखना ये है कि अब इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। इस ड्रामे की खास यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और उसके बाद मैं इसको करता हूँ यहाँ से एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में यहाँ पे देखिए हमारे सामने इसकी सेटिंग है। अगर आप कम से कम इसको 1080 पे रखिएगा और इसका जो बिट रेट है वो हाई रखिएगा, ठीक है, और एक्सपोर्ट ओरिजिनल कर दीजिएगा या बल्कि हटा दें इस पे से, और इसको आप कर दें कितने हैं ओके। अब ये हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है, ये फाइल हमारी एक्सपोर्ट हो गई है। मैं आपको इसको प्ले करके दिखाता हूँ। ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत सीजन वन और सीजन टू के बाद सीजन थ्री भी इस टाइम टॉप ट्रेंडिंग पे जा रहा है। इसके अंदर जो लड़की है, आई थिंक उसका रोल जो अदा किया है इकरा अजीज ने किया है, और जो इसमें लड़का है उसका रोल फिरोज खान ने किया है। अब देखना ये है कि अब इस ड्रामे का एंड क्या होने वाला है। इस ड्रामे की खासियत फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी।